देखिए मैं तो ये कहना चाहूंगा, हम लगातार ये मांग करते आ रहे थे जिस प्रकार यहाँ पर अवैध जो रेहड़ियां भी लग जाती हैं, सिलेंडर बड़े बड़े लेकर और अवैध पार्किंग भी लग जाती है, जिस पार्किंग के ऊपर हम विरोध करते रहे कि रोडों के ऊपर पार्किंग नहीं लगनी चाहिए, इसको लेकर आज ये देखो इतना बड़ा हादसा हो गया। और ये तो समझ लो पुलिस और फायर की जो मतलब कि मैं जितनी तरीके से उतनी कम है कि उनकी जो मौके पर पहुंच कर उन्होंने काबू पा लिया, नहीं तो यहाँ पर कई मार्केटें तबाह हो जाती और कहीं पर अभी पता लगा कईयों की जो बाइक स्कूटी वगैरह भी जल चुकी है, वो गाड़ियाँ भी जल चुकी हैं, उसका अभी तक पूरा ये नहीं पता लगा कितनी गाड़ियाँ जल चुकी हैं, कितनी बाइक जल चुकी है, लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ ढूंढ रहे हैं। और यहाँ पर लोगों को यही लग रहा है कि आने वाले समय में जिस प्रकार आपने देखा लाजपत नगर में ये भगीरथ पैलेस में आग लगी सुलझ रही थी, जब तक ये आग पूरी तरह काबू हम ये देख लेंगे नहीं आ जाती तो हमारी सांसें रुकी रहेंगी, क्योंकि ये आग कभी भी एकदम उड़ जाती है तो इससे मार्केट में पूरा खतरा है। मगर ये समझ लो फायर और जो पुलिस पूरी तरह से लगी हुई है, हमें ये तसल्ली है। मगर हम लगातार LG साहब से भी, DM साहब से भी और भी अधिकारियों से मिलते रहे हैं और ये मांग करते रहे हैं, ये जो हादसे हो रहे हैं इस प्रकार के, जो पार्किंग दी गई है, जो अवैध पार्किंग है, जिस प्रकार की पट्टियाँ लगती है, इससे कई बड़े हादसे होते हैं, मगर कोई भी हमारी सुनाई नहीं हो रही। मेरे साथ है फेडरेशन के अध्यक्ष राकेश यादव जी भी, हम लोग एक हाँ ये पार्किंग है थी, अब हमें नहीं पता ये पार्किंग किसने अलाट की, कैसे अलाट की, हमें इस बारे में नहीं पता। मगर ये जो भी हुआ है ये दुर्भाग्य है सदर बाजार के लिए, अगर ये काबू ना किया जाता तो ये बहुत बड़ा हादसा हो जाता और ये सदर बाजार के लिए ये समझ लिए आज मैं ये कहूँ की मेहरबानी है, टाइम पे आ गई है, मैं ये कहूँगा सदर बाजार के लिए बड़ा खतरनाक है, ये पार्किंग हटनी चाहिए, जो भी रोड पे भी पार्किंग हटनी चाहिए, फायर को भी आने में इतना टाइम लगा, सब कुछ लगा, अगर ये पार्किंग रोडों पे नहीं होती तो और भी जल्दी ये काबू किया जा सकता था। मगर फिर भी मैं कहूँगा इस प्रकार के कोई भी हादसे हैं उसको रोकने के लिए प्रशासन की आंखें खुलनी चाहिए। हमने इस मामले में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से जब हम मिलने गए थे तो हमने उनको इस क्षेत्र में इन्वाइट भी किया था कि समस्याओं के लिए, लेकिन वो किसी वजह से नहीं आ पाए, और हमने उनको पत्र द्वारा सूचित भी किया था फैक्ट्री सदर बाजार ने कि यहाँ पे जो अनऑथराइज पार्किंग माफिया चला रहा है, अनऑथराइज गुंडागर्दी चल रही है, इसको बंद किया जाए, रोड को बिल्कुल क्लियर किया जाए, क्योंकि रोड चलने वालों के लिए ट्रैफिक के लिए होता है, लेकिन कोई भी डिपार्टमेंट का कमिश्नर, कोई भी डिपार्टमेंट के पदाधिकारी, कोई भी डिपार्टमेंट के काउंसलर, कोई भी डिपार्टमेंट का व्यक्ति नहीं जाएगा। आज बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया, हालांकि हमारी 8 गाड़ियां 30-35 स्कूटर चले, लेकिन हमारी माननीय रेड क्रॉस की टीमें और सभी टीमों ने आज मुख्यादी से कार्य किया। मैं सिविल डिफेंस का, रेड क्रॉस का, दिल्ली पुलिस का, फायर ब्रिगेड का, सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने सदर बाजार का कम नुकसान होने से बचा लिया, वरना ये भागीरथ पहले से ही बहुत बड़ा नुकसान होता। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से, डिप्टी CM मनीष सिसोदिया जी से, कमिश्नर साहब से और MP डॉक्टर हर्षवर्धन जी से, सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक कमेटी का बोर्ड बनाया जाए, व्यापारियों को मेंबर बनाया जाए और यहाँ की समस्याओं को समझा समझ कर यहाँ का समाधान किया जाए, वरना सदर बाजार एक ज्वालामुखी पे बैठा हुआ है। हम लोग अपने सदर बाजार के नुकसान को कैसे बचाएं, इसमें सभी मंत्री, सभी विभाग के व्यापारी जागे और इसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आ गए हैं, हमारी फेडरेशन उनके साथ इस मामले में बात करने को तैयार होकर समाधान की तरफ बढ़ने के लिए अग्रसर है।